और आज कामदा एकादशी का व्रत भी है। सबका स्वागत और धन्यवाद। सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद का शिक्षामृत, ये बात प्रभुपाद जी ने हैदराबाद में 23 तारीख 1974 को कही थी, 23 अप्रैल को। तो हैदराबाद में जब प्रभुपाद गए थे तो हम भी बम्बई से वहाँ हैदराबाद में गए थे। ये वही समय 23 अप्रैल 1974। श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, आपने देखा है। इसी प्रकार हमारी स्थिति केवल श्री कृष्ण के साथ नृत्य करने और प्रसन्न रहने की है, वह हमारी स्थिति है। किंतु हम इस संसार में श्री कृष्ण से स्वतंत्र रहकर भोग करने के लिए आए हैं, इसलिए हमें माया शक्ति ने बांध लिया है। प्रभुपाद कृपा से ये बात कई बार हम कहते थे। आज प्रभुपाद 23 तारीख को ये प्रभुपाद ने हैदराबाद में कही थी कि कृष्ण नृत्य कब किया जाता है, जब कोई प्रसन्न हो। जैसे ऐसे वर्णन आता है, आध्यात्मिक जगत में लोग चलते नहीं, क्या कर नृत्य करते हैं। नृत्य कहते प्रसन्न है हर समय, आनंद मंगल। आध्यात्मिक जगत में लोग बोलते नहीं, सब गाते हैं। गाना कब गाया जाता, जब कोई प्रसन्न हो। तो हमारे भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो सदा प्रसन्न रहते हैं, सदा कोई उनको कोई परेशानी नहीं है। परेशानियाँ हमको हैं और उसका कारण यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताया है। अरे बोल, पूछो, आवाज़ आ रही है। ठीक, कारण उसका हम भगवान से अलग हो गए, जो यहाँ प्रभुपाद ने कहा, कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाशे ते माया तारे झोपटिया धरे। जीव भगवान को भूल करके सुखों को भोगना चाहता है। और जैसे प्रभुपाद ने वो भी यहाँ कहा है कि वह, इसलिए हमें माया शक्ति ने बांध लिया है। भगवान से अलग होकर तो सुखी होने का प्रश्न ही नहीं है। जैसे मछली को पानी से बाहर निकाला, दुनिया भर की सुविधाएं उसको दो, वो सुखी नहीं रहेगी, उसका जीवन पानी में है। इसी प्रकार हमारा जीवन कृष्ण की शरण में है, कृष्ण के चरणों से जुड़े रहने में है। अगर हम कृष्ण भगवान को छोड़कर, ये हम सब ने अज्ञानता की है, जितने हम यहाँ बैठे हैं, या उधमपुर में लोग हैं, या भारत में हैं, या दुनिया में जितने लोग हैं, हम सब की यही अज्ञानता है। इस अज्ञानता को मिटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने शुद्ध भक्त को भेज दिया है। बड़ी कृपा है उनकी। कभी कभी वो खुद भी आते हैं, कभी कभी ऐसे अपने पार्षदों को भेज देते हैं, जाओ इन लोगों का मार्गदर्शन करो। ये लोग तो नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं, भौतिक जगत में जो दुखों का घर है वह सुखों को भोगने का प्रयास कर रहे हैं, तुम जाओ और इनको मेरी शरण में लाओ। तो ये आज का विषय है। प्रभुपाद कृपा से कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आज एकादशी का व्रत भी है और फिर गौर कथा का भी गायन करना है प्रभुपाद कृपा से ही। और आओ पहले हम एकादशी व्रत के बारे में पढ़ के आपको सुनाते हैं। आज कामदा एकादशी है। एकादशी का भजन भी यहाँ रखा है। ये हमारे परमाचार्य, परम आदरणीय
शिला भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचा हुआ है। भक्ति विनोद ठाकुर बड़े महान वैष्णव हमारी संप्रदाय में हुए हैं। तो आओ पहले थोड़ा सा गा ही लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनकूला, शुद्ध भक्त सेवा परम सिद्धि भक्त प्रेमलती कर मूला, माधवती थी भक्ति जननी यतने पालन करी यतन कृष्ण बसती बसती मलिके परम आदरे वाली गौर आमार जे सब स्थाने करला भ्रमण रंगे कर से सब स्थान हेरिबो आमी से प्रणय भकत संगे मृदंग वाद्य सुनिते माना मृदंग अवसर सदायाचे गौर बिहित कीर्तन सुनी गौर आनंद हृदय नाचे युगल मूर्ति देखिया मोर युग परम आनंद हाया प्रसाद सेवा करीते हाया प्र सकल प्रपंच जाया जे दिन ग्रह भजन देखी ग्रह ते गौलोक भाया चरण सिद्धू देखिया गंगा सुख न सीमा पाया तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव
तोशनी जानी। कार प्रिया शाक सेवन जीवन सार्थक मानी। भक्ति विनोद कृष्ण भजन अनुकूल पाय जा अनुकूल पा प्रति दिवस परम सुखे स्वीकार करे ता शुद्ध भक्त चरण रेण शुद्ध भजन अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलति कर मूला एक महाभागवत वैष्णव ठाकुर भक्ति विनोद महाराज। मैं थोड़ा सा उनका परिचय आपको दूंगा। वो गृहस्थी थे, कोई भी भक्त हो सकता है, गृहस्थी थे। और बच्चे कितने थे उनके? 11 बच्चे थे, जिन में से एक बच्चा हमारे गुरु महाराज के गुरु देव थे, श्रील भक्ति सिद्धांत सत्य ठाकुर प्रभुपाद। आज हम लोगों ने विषय विकारों को भोगने के लिए बच्चों की संख्या तो कम कर दी, लेकिन विषय विकारों को हम नहीं छोड़ रहे, जो नरक का द्वार है। तो बड़ी महान आत्मा थे और उन्होंने सारे जीवों का मंगल चाहा था, सबका। पूरे भक्तों में भेदभाव नहीं होता, ये भारतीय है या ये अमेरिकन है या ये जर्मन है या फ्रांस का है या अफ्रीकन। आत्मा सभी आत्मा है। भक्त जो हैं सबका मंगल चाहते हैं, और भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे ही थे। तो उन्होंने अपने इस भजन में, जिसको एकादशी के दिन गाया जाता है, इसमें सबसे पहले क्या कहा? शुद्ध भक्तों की चरण रज, चरणों की धूली, रेणु, चरण रेणु भजन के अनुकूल है। देखो, भजन तो हम लोग करते हैं, लेकिन अनुकूल प्रायः भजन नहीं होता। कोई भाग्यशाली होगा जो अनुकूल भजन कर रहा है, जप कर रहे हैं और, लेकिन अनुकूल नहीं है। क्यों नहीं अनुकूल? भक्तों की कृपा नहीं मिली। भक्तों की रज अगर लेंगे हम, उनके चरणों की धूलिया में मिलेगी, तो अनुकूल भजन होगा। विषय लंबा होता है। इनकी जो गुरु बहन थी प्रभुपाद जी की, प्रभुपाद ने कहा वो भी शुद्ध भक्त हैं, पिशी माँ उनका नाम था, उनके हमने दर्शन किए हैं। तो वो अपने भाई को, प्रभुपाद जी की बड़ी थी पता नहीं या छोटी थी, ये मेरे ध्यान में नहीं, पर प्रभुपाद जी में इतनी श्रद्धा उनके थी पिशी माँ की, कि मैंने देखा अपनी आंखों से मायापुर में आकर के वो प्रभुपाद जी के चरणों की धूली लेती थी, अपने मस्तक पर लगाती थी। वो जानती थी हमारे घर में ये बड़ी महान आत्मा ही है। और प्रभुपाद जी कहते थे ये शुद्ध भक्त है भगवान की। ये नहीं कि चरणों की धूली ले, जनरली उन्होंने ऐसा उनके बारे में कमेंट्स किए थे। तो शुद्ध भक्तों के चरणों की धूली मिलने से ही अनुकूल भजन होगा। एक और मैं बात बता दूँ कि प्रभुपाद जी शाइन कर रहे थे, तो
ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा कहाँ, वृंदावन या मायापुर, ध्यान नहीं आ रहा मेरे। तो लेटे हुए थे तो हमें इन्होंने बड़ी कृपा करके अपनी सेवा का मौका दिया, सेवक नौकर अपना, यानी कि इनका अटेंडेंट बनने का हमको मौका मिला। इनके जो सचिव थे वो तुमाल कृष्ण महाराज थे, तो बस हम प्रभुपाद जी के साथ में रहते थे। प्रभुपाद शाइन कर रहे थे, लेटे हुए थे, तो तुमाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद के चरण ऐसे थे, मैं अभी ऐसे सर को करने लगे। प्रभुपाद जी तो सोए थे, मैंने उनको देखे, मैंने भी हिम्मत की, मैंने भी जाके अपने सर को उनके चरणों से घुमाया, ऐसे चरण है प्रभुपाद के। तो उस प्रभुपाद उठ के ऐसे किया आवाज की, कौन है ये, मैं चला गया वहां से। तो भक्तों के चरणों की धूली मिलने से ही अनुकूल भजन होता है, अनुकूल भजन होने से ही आध्यात्मिक पथ में प्रगति होती है। प्रतिकूल भजन, अनुकूल प्रतिकूल, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल, ये प्राय अनफेवरेबल भजन होता है जिसमें आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। केवल प्रश्न करते हैं ना कि मैं 16 माला जपता हूँ या जपती हूँ, नियमों का पालन करती हूँ या करता हूँ, लेकिन कुछ मेरी प्रगति नहीं हो रही। एक माता हमें बहुत पहले बेलफास्ट में मिली, इंग्लैंड में, तो संपर्क में आए, चांद बेदी उनका नाम, मिली तो हमारा कुछ नहीं सब इन्हीं का है। तो वो उसका जीवन बदल गया, हमने प्रभुपाद कृपा से जो भी कहा उसके जीवन में परिवर्तन आया। उसके बाद फिर संपर्क टूट गया और उसने फिर ढूंढ लिया हमारा संपर्क, और कल मधुप्रिया ने मेरी बात कराई उनसे। तो वो कहती हैं कि आपको याद होगा, मुझे इतना याद है कि बेलफास्ट में हम गए थे, वो आयरलैंड में है, कहते हम वहीं रहते थे और आप हमारे घर में, घर भी गए थे उनके, नहीं कल माता ने क्या बताया था, घर भी गए थे, नहीं इसका ध्यान कहीं और है। वो बेलफास्ट वाली माता काल जैसे बात कराई थी तूने, उसके घर में गए थे हम, बेलफास्ट में उनके घर में भी गए थे हम, आवाज नहीं, अच्छा हाँ। तो कहती कि कृपा साहब इनकी है, कहते मेरा जीवन तब से बदल गया है, मैं आपको ढूंढती रही लेकिन आपसे संपर्क नहीं हो पाया, अरे मैंने आपका संपर्क ढूंढ लिया। तो कहते अभी हमें लग रहा है भाई जीवन का उद्देश्य क्या है, हम समझ रहे हैं आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। तो हमें शुद्ध भक्तों की प्रभु कहते आपने कहा था कि माला जपो, प्रभुपद ने हमें कहा था, हमने उनको कह दिया, तो मैं तब से माला जपती हूँ और बड़ा जीवन बदल गया, बड़ा भी आभार प्रकट कर रही थी वो कई सालों के बाद, मेरे ख्याल में 30-35 साल कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये सब प्रभुपाद की कृपा है, उसने भजन करना शुरू किया अनुकूल, तो आध्यात्मिक प्रगति उस माता को दिख रही है। उसने कहा पहले तो मेरा जीवन ऐसे ही था, फिर महामंत्र के जप करने के बाद मैं एकादशी के लिए भी, आपने कहा एकादशी का व्रत भी मैं करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, मेरे पति भी करते हैं, मेरी बेटी भी करती है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बार बार वो धन्यवाद कर रही थी, धन्यवाद तो प्रभुपाद का है क्योंकि जिन्होंने हमें ये सब जीवन दिया है। तो भक्तों की सेवा की परम सिद्धि है ये याद रखो सारे, क्योंकि हम लोग खोए हुए लोग हैं दुनिया में। खोए क्यों हैं, अपने दुष्कर्मों के कारण, और कोई कारण नहीं, अपने पापों के कारण हम खो गए हैं। हमारी सेंस ऑफ परसेप्शन चली गई है, पहचान नहीं है हमको कि कौन क्या कह रहा है। तो हमारे जीवन में जो कुछ भी है हमारे गुरुदेव की कृपा, पहले हमारी जो जननी थी, माता थी, उनकी भी बड़ी कृपा रही, वो बड़ी भक्त थी
और हम आखिरी बच्चे हैं अपने परिवार में, तो माता का बड़ा स्नेह मिला और बहुत जल्दी उठकर भजन करती थी। बड़ी तपस्विनी थी, बड़ी तपस्या, बड़ी मेहनत करनी उन्होंने, और हमें उनकी कृपा से संस्कार मिले। तो आप देखो कि हमें ऐसे भक्तों की, प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों की चरणों की धूल लेनी है। आज भी आपको मिलेगी। आप भाव ऐसा जागृत करो कि मुझे प्रभुपाद आपकी कृपा चाहिए। तो कैसे, जैसे उन्होंने कहा वैसे करो, भक्ति करो, नियमों का पालन करो, प्रचार करो, पुस्तकों का वितरण करो, तो कृपा मिलेगी, आप अनुभव करेंगे। और इस माता ने तो मुझे बात बताई, कहते मैं आपको बता रही हूँ, आज तक मैंने किसी को नहीं बताई, बड़े अच्छे उसको दर्शन हो गए, वो भी उसने कल बताया। तो भक्तों की सेवा जो है परम सिद्धि है, और प्रेम रूपी जो लता है, बेल, उसकी जड़ है। प्रेम रूपी लता का बीज बोया जाता है हृदय में भक्तों की कृपा से। पर वो बीज तो बोया, वो फ्रक्टिफाई कैसे होगा? नवदा भक्ति के द्वारा। फिर वो बेल बनना शुरू होगी, भक्ति रूपी लता की बेल, उसके आगे पीछे घास फूस भी पैदा हो जाएगा। घास फूस मतलब बेकार की इच्छाएं, पूर्व कर्म, बुराइयां, निंदा, चुगली, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। तो भक्त जो है उसकी तुलना माली से की है। भक्त माली बन करके वो क्या करता है, भक्ति रूपी लता को बढ़ाने के लिए वीड्स, उसको अंग्रेजी में कहा है, वीड्स जो पैदा होते हैं उनको उखाड़ देता है, तो लता को शक्ति मिलती है। और घास फूस पैदा हुए तो लता की शक्ति को ले लेंगे, लता नहीं बढ़ेगी, भक्ति रूपी लता नहीं बढ़ेगी। तो भक्ति रूपी लता को बढ़ाने के लिए प्रेम रूपी लता का जड़ जो है शुद्ध भक्तों की चरणों की धूली है। इन्होंने तो सारी दुनिया को, जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं लिया था, सुना ही नहीं था कि भगवान नाम की कोई चीज़ है, जो क्रिटिसाइज करते थे, हिंदुस्तानी पत्थरों को पूछते हैं, हिंदुस्तानी बहुत सारे भगवानों को पूछते हैं, उनके अंदर भक्ति, भक्ति उनके अंदर भी है, वो अपने कर्मों से ऐसे बन गए, वो पाप कर्मों से क्रिटिक बन गए, आलोचना करने वाले बन गए, लेकिन इनकी कृपा से उनके अंदर भी भक्ति जागृत हुई। तो इनके चरणों की धूली लेने का सभी प्रयास करो, सारे पुरुष, सारी माताएं। एक बात इनकी मैं बताऊं, विषय लंबा हो जाता है, आज एक आची है, कभी भी खाली मत बैठो। हमें खाली बैठ करके गप्पे मारने की आदत है, समय का नाश मत करो, ये समय बड़ा अनमोल है। ये समय जो है जो जा रहा है बड़ी तेजी से, ये फिर नहीं मिलेगा। जो समय चला गया, दुनिया की दौलत खर्च करने से उसको वापस नहीं ला सकते, पर जो अभी है उसका सदुपयोग कर सकते हो। उसका सदुपयोग खाली बैठना नहीं, भगवान की सेवा में तन को लगा के रखना, तन पवित्र सेवा किए। माताएं हैं या भक्त हैं या बच्चे हैं, कोई भी, हमें आदत है जब अभी दो चार इकट्ठे होंगे गप्पे मारेंगे, हाँकेंगे नहीं। अभी लोग, हम जाते हैं उधर पैड़ बाबा के यहाँ, पैड़ बाबा वहाँ पर वो देवता हैं कि यहाँ पर, तो वहाँ पर लोग बैठ करके ताश खेलते हैं, समय नाश कर ले बैठिए। एक बार वो, हम भी वहाँ जाते हैं, वहाँ जो हनुमान जी के जो वंशज हैं उनको भोजन कराने के लिए, उनको गुड़ खिलाने के लिए हम जाते थे, तो आ जाते थे सारे, वो तो आ जाते थे खाने के लिए, तो उनको ताश खेलने में मुश्किल होती थी, कहती आप थोड़ा पीछे। तो एक कुंती माता साथ में थी, कहती आप यहाँ पर, पैड़ बाबा का स्थान है, आप यहाँ पर बैठ के ताश खेलते हो, ये अच्छा काम कर रहे हो आप, आपको कहीं और जगह बैठना चाहिए। चुप हो गया, कोई बोला नहीं, वो आपको वहाँ से हटाने की कोशिश की, लेकिन ये इसने भगा दिया उसको, कि तुम यहाँ अच्छा करते हो, ताश खेलते हो। तो लोग समय नष्ट कर रहे हैं अपना,
समय नष्ट नहीं करना। और देखो एक मैं आपको यहाँ जगह है, उसका सुबह सुबह नाम नहीं लेते, वहाँ तवी के पार वो जगह, उसको तवी पार कहते हैं। वहाँ पर एक परिवार था, तो एक गरीब उन्होंने नौकर रखा हुआ था, गरीब बेचारा था। तो पहले वहाँ गांव में ऐसा होता कि जो दाने होते हैं, चावल हो या गेहूँ हो, उनको एक मिट्टी का बनाया हो तो उसके अंदर रखते हैं। एक पॉट जैसा एक बर्तन नहीं पर मिट्टी का, कोल कहते हैं उसको। वो जो नौकर है वो बेचारा ला के चावल जो भी हैं अलग अलग तो देता था, धोते थे, किचन में कुकिंग होती थी। तो उस घर की जो मालकिन थी, औरत थी, उसके गहने थे। लोगों के सामने कहीं चोर ना चुरा लें, उसने गहने की पोटली बना करके क्या किया, उसके अंदर रख दी नीचे, जहाँ पर दाने रखे जाते हैं, मतलब अनाज रखा जाता है। हुआ क्या, वहाँ चूहे भी खाने के लिए आ जाते हैं। चूहे जो हम वो पोटली थी सोने की, वो ले गए, वहाँ से निकाल के ले गए। ले गए तो उसने, माता ने देखा पोटली नहीं मिल रही, जब आग निकलती करता तो बड़ा फल भोगना पड़ता है उसका। शक उस गरीब पर कि इसने निकाल ली पोटली, उसने सोचा भी नहीं होगा कोई चूहे ने निकाल ली है। तो उसको कहा, कहाँ है वो सोने की पोटली, सोना के यहाँ पोटली मतलब कपड़े में बांधे हुए। कहते हैं मुझे नहीं पता। अच्छा तेरे को पता नहीं है, पुलिस में देंगे हम तेरे को माँ। और पुलिस से लोग डरते हैं, पुलिस बुरी मार देती है, पुलिस बहुत कष्ट देती है। जब पुलिस में देंगे तेरे को फिर पता लगेगा, फिर तू देगा। वो बेचारा डर गया। वहाँ की जगह है दुसांगी है, वहाँ दुसांगी मतलब दो पिलर जैसे खड़े हैं नेचुरली, अभी पता नहीं है या नहीं है, मैंने बहुत पहले देखा था। दुसांगी जो है वो गया बेचारा, उसने वहाँ जाके छलांग लगा के आत्महत्या कर ली कि मेरे को पुलिस वाले मारेंगे, गरीब आदमी था। हुआ क्या, वो भूत बन गया, भूत बन गया। जब आत्महत्या उसने की, जब भूत बन गया तो इस परिवार के लोग जो हैं उनमें से कुछ सदस्य ताश खेलते थे वहीं पर, तभी बार जगह जो है ताश खेलते थे। तो उनके एक सदस्य बैठा है वो ताश खेल रहा है, उसको चार आदमी बैठते हैं ताश खेलने में, उनमें से वो सदस्य जो था उस परिवार का वो कुछ बोल रहा है, कहता तू चल आऊं आया, तू चल मैं आता हूं। बाकी उसने किससे कहा बात, वो उठा और चला गया। और गया उसने क्या किया, उसी जगह छलांग लगाई जहां पर वो भूत बना था, और वो भी मर गया। दूसरा परिवार का खेलने लगा ताश, उसने भी यही कहा तू चल आऊं आया, तुम चल मैं आता हूं, वो भी वहां जाके मर गया। फिर उन्हें वो गांव ही छोड़ना पड़ा, भाई हमारे मर रहे हैं, एक एक करके मर रहे हैं। और भूत बन गया, एक एक करके ले गया, पता नहीं कितने ले गया मेंबर घर के, कितने जने थे, कितने बचे, फिर बाकी आके फिर उधमपुर में वो सेटल हुए। तो मेरा कहने का अभिप्राय क्या है कि हम लोग समय नष्ट करते हैं, भजन भक्ति करते तो भूत प्रेत तो से बच सकते थे, लेकिन समय ताश खेलने में लोग बिता रहे हैं, धार्मिक स्थानों पर भी बैठ के ताश खेल रहे हैं। तो ये समय बड़ा अनमोल है, इसका सदुपयोग शुद्ध भक्तों की चरण धूलि लेकर अनुकूल भजन करना है, बस समय का नाश नहीं करना। माधव तिथि यानी एकाची भक्ति देने वाली, आज एकाची है, एकाची माता भक्ति देती हैं, इसलिए मैं यत्न पूर्वक इनका पालन करता हूँ। भक्ति मनोहर ठाकुर कह रहे हैं, मैं श्री कृष्ण के धाम को ही आदरपूर्वक अपना निवास स्थान मानता हूँ। ये संसार हमारा आपका घर नहीं है, हमारा निवास स्थान गौलोक धाम है, ये नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर पहले ही मान रहे हैं शुद्ध भक्त हैं भगवान के, और उसको मैं अपना निवास स्थान चुन लिया मैंने
चुनता हूँ। मेरे गौर सुंदर ने जिन जिन स्थानों में आनंदपूर्वक भ्रमण किया था, गौर भगवान कृष्ण ही हमको भक्ति सिखाने आए हैं, मैं भी प्रेमी भक्तों के साथ उन उन स्थानों का दर्शन करूँगा। गौर यहाँ आए थे, उन्होंने ये लीला की, गौर यहाँ आए थे, उन्होंने ये लीला की, तो ये भी बड़ी हृदय स्पर्शी बात है। मृदंग की मधुर ध्वनि सुनने से घर, मुझे लगता है मेरा घर जो है गौलोक धाम बन गया है, और गौर सुंदर द्वारा जो प्रवर्तित कीर्तन हैं उनको सुनकर आनंद से भरकर मेरा हृदय नाचने लगता है। एक एक बात यहाँ बड़े विचारने की भक्ति विनोद ठाकुर ने कही है इस भजन में। फिर कह रहे हैं भगवान की, मैं जब दर्शन करता हूँ तो मुझे बड़ा आनंद मिलता है, और महाप्रसाद का जब मैं सेवन करता हूँ तो माया को जीत लेता हूँ। हम माया के वशीभूत हैं, हमें खाली प्रसाद खाना है। जिन्होंने मांसाहार जीवन में किया, गंदगी है ना अंदर पड़ी हुई, उसको एक चुटकी बजाने से तो निकलेगी नहीं, धीरे धीरे निकलेगी। तो आगे कह रहे हैं, जिस दिन घर में भजन कीर्तन होता है उस दिन घर साक्षात गौलोक हो जाता है। घर में जब भजन कीर्तन होगा तो गौलोक धाम बन गया, भगवान का नाम हो रहा है। श्री भगवान का चरण माँ चरणामृत और श्री गंगा जी का दर्शन करके तो सुख की सीमा ही नहीं रहती। भगवान को जो स्नान किया जाता है, चरणामृत लिया जाता है, चरणामृत की एक बात याद आई मेरे को, हमें घर से हमने माता जी से सीखा था कि पहला चरणामृत का चमचा लेना, अकाल मृत्यु हरणम, दूसरा सर्व व्याधि विनाशनम, तीसरा विष्णु चरणोदक पित्वा पुनर्जन्म ना विदते। जो विष्णु के चरणों का चरणामृत पीता है उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो ये मैंने प्रभुपाद जी को कहा, जाओ कहते सबको सिखा, शुरू शुरू सबको सिखा ये। तो चरणामृत मैं लेता हूँ तो वो कहते हैं मेरी सुख की सीमा नहीं रहती, मैं बड़ा प्रसन्न हो जाता हूँ। माधव प्रिया तुलसी की, तुलसी जी का दर्शन कर तीनों तापों से दग्ध हुआ हृदय सुशीतल हो जाता है, तुलसी माता के दर्शन मात्र से ही। श्री गौर सुंदर के प्रिय साग का आस्वादन करने में ही मैं जीवन की सार्थकता मानता हूँ। गौर भगवान को एक साग बड़ा पसंद था, तो कहते वो साग साग जो गौर भगवान खाते थे, मैं उनका जब सेवन करता हूँ तो अपने जीवन को सार्थक मानता हूँ। कृष्ण भजन के अनुकूल जीवन निर्वाह के लिए जो कुछ पाता हूँ मैं, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, यह भक्ति विनोद प्रतिदिन उसे सुखपूर्वक स्वीकार ग्रहण स्वीकार सुखपूर्वक ग्रहण करता है। मुझे जो मिलता है, और देखो हम बड़ा धन इकट्ठा कर रहे हैं ना, सुखपूर्वक जो मिल रहा है उसमें ही आनंद है। बोलो भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की। तो आइए अभी आपको आज की एकादशी का हम कथा सुनाएं, ध्यानपूर्वक सुनो। आज की एकादशी जो है चैत्र शुक्ल पक्ष कामदाय एकादशी है। श्री युधिष्ठिर जी ने देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण को अनेक प्रणाम कर विनम्रतापूर्वक कहा। युधिष्ठिर महाराज राजा थे भारत के, वो भगवान को बड़े अनेक बार प्रणाम करके, बिना विनम्रतापूर्वक प्रणाम करके उन्होंने भगवान से कहा कि शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, एकाग्रचित होकर यह प्राचीन कथा सुनो। एकादशी कथा युधिष्ठिर महाराज को स्वयं कृष्ण भगवान सुना रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज महाभागवत, धर्मराज और एकादशी की कथा भी बड़ी महान है। एकाग्रचित से सुनो, यह प्राचीन कथा सुनो, जिसे गुरु वशिष्ठ ने राजा दिलीप के पूछने पर कहा था। वशिष्ठ जो थे इनके रघुवंशियों के गुरु, जो राम जी के भी गुरु थे, राजा दिलीप ने उनको पूछा। दिलीप जो थे इसी वंश में थे।
रघुवंश में। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी आती है, वह परम पुण्यमयी है। यह सभी पापों को जलाकर राख के समान नाश कर देती है। यह पुत्र पौत्र देने वाली होती है। इससे मनुष्य कुयोनियों से छूट जाता है। कुयोनी गलत योनियों में जाना, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बनना उसे छूट जाता है। प्राचीन काल की बात है, रतनपुर नाम का एक सुंदर नगर था। वहां पुंडरिक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरिक आदि महाभयानक नाग निवास करते थे। पुंडरिक नाम का नाग वहां राज्य करता था। उस नगर में गंधर्व किन्नर और अनेक अप्सराएं भी निवास करती थी। वहां एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला एक गंधर्व भी रहता था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते और परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललित के हृदय में सदा पति की ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। उन्हें वियोग पसंद नहीं था। पति पत्नी दोनों को बहुत प्रेम करते हैं। एक दिन नागराज पुंडरिक राजसभा में बैठकर गंधर्वों द्वारा गायन वादन का आनंद ले रहे थे। गायन हो रहा था। वहां पर ललित गंधर्व भी गायन वादन कर रहा था। किसी कारण से उसकी प्रीतमा ललिता वहां नहीं थी, औरत नहीं थी। वहां गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। वह अशुद्ध गायन कर रहा था। औरत के चिंतन में देखो बेड़ा गर्क हो गया बेचारे का। अशुद्ध गायन करना, हालत खराब हो। नागों में श्रेष्ठ श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया। अतः उसने राजा पुंडरिक को उसके पैरों की गति रुकने एवं गायन में त्रुटि होने की शिकायत कर दी। नागराज पुंडरिक अति क्षुब्ध हुआ और उसने ललित को श्राप दे दिया। दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गायन करते समय पत्नी का स्मरण कर रहा है, अतः तू नरभक्षी राक्षस हो जा और अपने किए का फल भोग। ऐसा राक्षस बना दिया जो आदमियों को खाते हैं। श्राप मिल गया। श्राप मिलते ही वह ललित गंधर्व विकराल राक्षस रूप बन गया। विकराल राक्षस, और कर्म का फल भोगने लगा। उसकी पत्नी ललिता अपने पति की विकराल कृति देख मन ही मन बहुत दुखी हुई। बड़ी दुखी, मेरा पति क्या बन गया। और अपने पति के उद्धार का मार्ग सोचती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। एक दिन अपने पति का पीछा करती हुई वह विंध्याचल पर्वत पर चली गई। वहां वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया। यहां पर श्रृंगी मुनि शांत बैठे हुए थे। बोलो श्रृंगी मुनि जी की। मुनि को प्रणाम करके खड़ी होकर
प्रार्थना करने लगी, हे मुनिदेव मैं बहुत दुखी हूँ, आप मेरी विपत्ति का निवारण कीजिए। ललिता ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा नाम ललिता है, मेरे पिता वीर धनवा नामक एक गंधर्व हैं, मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं, हे मुनि श्रेष्ठ उनके राक्षस योनि से उद्धार का कोई उपाय बताइए। श्रृंगी मुनि ने कहा, हे गंधर्व कन्या, इस समय चित्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है, जो सब पापों का हरने वाली है। तुम इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो, इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को अर्पित कर दो, पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके श्राप का दोष दूर हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ, उसने एकादशी के उपवास को नियम बा विधि पूर्वक किया और द्वादशी के दिन उन ब्रह्म ऋषि के समीप ही भगवान वासुदेव के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदाय कांची का उपवास व्रत किया है उसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो, हे प्रभु उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर होकर वे राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल पाते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने असली सुंदर स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर वे दोनों अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पुष्प विमान द्वारा स्वर्ग लोक को चले गए। गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राजन इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये याद रखो, हमारी दुर्गति हमारे पापों के कारण है तो हमने अपने पापों को नष्ट करना है। तो एकादशी माता खासकर की आज की एकादशी जो है, सारी एकादशी महान है, एकादशी का व्रत बड़ी यत्न पूर्वक करना है, जो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है। और राक्षस जैसी योनि भी छूट जाती है। परोपकारी विष्णु भक्त ना केवल अपना जीवन सुधारता है अपितु भगवान विष्णु की कृपा से अन्य व्यक्तियों के सभी कष्ट दुख दूर करता है। भगवान विष्णु यानी कि भगवान कृष्ण के भक्त जो हैं अपना जीवन नहीं सुधारते, जैसे यहाँ बैठे हमारे गुरु महाराज, वो दूसरों के जीवन का भी कष्ट निवारण करते हैं। अभी तो भगवान विष्णु की कृपा से अन्य व्यक्तियों के सभी कष्ट दुख दूर करते हैं। और देखो वशिष्ठ जी ने ही बताई ये कथा, और कृष्ण भगवान युधिष्ठिर महाराज के माध्यम से हम सब तक पहुँचा रहे हैं। बोलो मोर मुकुटवंशी वाले की यह कथा श्री वराह पुराण में वर्णित है। फलहार, इस दिन लुंगों का सागर, लुंगों क्या है, लेना चाहिए लुंगों अर्थात ओगा का फल। ये ओगा पता नहीं क्या फल है, लुंगों अथवा ओगा का फल, दूध दही फल आदि ले सकते हैं। ये
लोगों का फल जो है ये इस दिन विशेष बताया है। पर पता करो क्या फल है ये, बोलो काशी व्रत महात्म की, बोलो कामदाय काशी व्रत की, बोलो मोर मुकुटवंशी वाले की, बोलो गुरु वशिष्ठ जी महाराज की, बोलो रघुवंश की। जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय कृपा करी सबे मेली करह करुणा, अधम पतिता जने न करिहा घृणा, अधम पतिता ए तीन संसार माजे तुया पद सार, ए तीन भाविया देखी नो मने गति ना गिया, भावी की रूपे पाई मी किछु नाई संदान, की रूपे पाई मी किछु ना पाई संदान, प्रभु लोकनाथ पदे नाही का स्मरान, तुमी ता दयाल प्रभु चाह एक बार, तुमी नरोत्तम हृदयरा घुचाओ अंधकार, नरोत्तम हृदय मेरे हृदयरा घुचाओ अंधकार, मेरे हृदयरा, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय 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 अद्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। तो नित्यानंद भगवान का वर्णन आ रहा है, नित्यानंद भगवान कल के प्रसंग में था, गौर भगवान ने जब उन्हें कहा कि आप जाओ लोगों से हरि नाम की भिक्षा मांगो, जीवों का उद्धार करो, तो नित्यानंद प्रभु इतने महान हैं, हम ही पतित लोग हैं, भगवान महान, उनके स्वरूप महान, उनके पार्षद महान, कहते हैं मैं आपकी आज्ञा तो शिरोधारी करता हूँ, पर लेकिन मेरे प्राणंत तो हो जाएंगे, ऐसा क्यों कहा उन्होंने। उनका गौर भगवान के श्री चरणों में इतना प्रेम है, तो नित्यानंद भगवान से गौर प्रेम मांगना है सभी ने।
वो गौर प्रेम के इतने धनी हैं कि जिसका कोई अंत नहीं है। कल के प्रसंग में ये भी था, उन्होंने कहा भगवान ने बड़ा सुंदर कहा कि आप जीवों का मंगल करो, जीवों का उद्धार करो, आप मंगलकारी हैं, मंगल करने वाले हैं। तो तब नित्यानंद प्रभु ने कहा मैं आपकी आज्ञा का पालन तो करूंगा, लेकिन जीवों का उद्धार तो आपने ही करना है। मैं आपकी आज्ञा पालन करने में निमित्त बनूंगा, जीवों से हरि नाम करवाने में निमित्त बनूंगा, लेकिन जीवों का उद्धार आपने ही करना है। ये भी एक बड़े विचारने की बात है। उद्धार करने वाले में से दोनों हैं, नित्यानंद जी भी बलराम के अवतार हैं और गौरांग महाप्रभु कृष्ण के अवतार हैं। सब कुछ कृष्ण से ही आ रहा है, सब कुछ गौर हरि से ही आ रहा है। तो बड़ी विनम्रता पूर्वक उन्होंने अपने प्राणों का त्याग करके अभी वो गौर देश में आ गए हैं, नीलाचल से, जगन्नाथपुरी धाम से। उसके अगले दिन ही श्री नित्यानंद प्रभु अपने भक्तों सहित परमेश्वर श्री गौरचंद्र की आज्ञा स्वीकार करके गौर देश को चले गए, क्योंकि श्री गौरगरी की आज्ञा हो गई थी कि उनका वहां और एक क्षण भी रहना उचित नहीं, क्योंकि जीवों की चिंता थी गौर भगवान को, वही नित्यानंद भगवान ही जीवों का उद्धार कर सकते हैं। श्री नित्यानंद के संग रामदास, गदाधर दास, रघुनाथ, कृष्णदास पंडित, परमेश्वर दास, पुरंदर पंडित तथा वासुदेव घोष, ये सब महान आत्मा हैं, ये सब चले, वो भी उनके साथ गए। ये सब ही श्री कृष्ण प्रेम में मगन हैं। ये सब जिनके नाम मैंने बोले सदा कृष्ण प्रेम में मगन रहते थे। और श्री नित्यानंद प्रभु को श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा है, जिसको नेत्रों से देखो उसी पर कृपा करके हरि नाम देना, ये नित्यानंद भगवान को गौर हरि ने कहा है। नीच ऊंच का विचार मत करना। ये देखो गौर भगवान कितने दयालु हैं, हम लोगों ने ऊंच नीच के भेदभाव पैदा कर रखे हैं, लेकिन भगवान कितने हैं, ऊंच नीच का विचार मत करना। अभी देखो एक शंकराचार्य प्रभुपाद जी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कि पता मैं जानता हूं इनको बड़ा मतलब अभद्र भाषा बोल रहे हैं प्रभुपाद जी को, ये हैं, ये हैं। इन्होंने क्या किया, कौन लोग कुल लोगों को भक्त बनाया, जो लोग अनवांटेड, मतलब जैसे अनवांटेड संतान होती है, मतलब पिता को ही माता को, ऐसे लोगों को, अरे ऐसे लोगों को बनाया उन्होंने, क्या वो आत्मा नहीं है? और ऐसे लोगों को भक्त बनाना कोई छोटी बात है? ये शंकराचार्य पद पर बैठ कर ऐसी अभद्र भाषा बोल रहा है तो बहुत दुख की बात है। और यहाँ कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भगवान कह रहे हैं कि ऊंच नीच का, जाति पाति का विचार नहीं करना, क्योंकि ऊंच शरीर में ये नाम का ऊंच है या नीच है, सभी उसमें भी आत्मा है, नीच शरीर में भी आत्मा है। और देखो हमारे राम जी, शबरी बिचारी कौन थी, भीलों की कन्या, अछूतों की कन्या थी, उसके जूठे बैर खाए। हनुमान जी बंदर रूप में हैं, गले लगा रहे हैं भगवान, लेकिन हम उनके अनुयायी तो हैं पर उनकी शिक्षाओं का पालन हम नहीं करते। भगवान कहते हैं नीच ऊंच का विचार मत करना, कारण कि कलयुग के बीच में नीच अधिक हैं
जो उनको छोड़ दिया जाएगा तो फिर उद्धार ही किसका करना है। भगवान कहते हैं नीच लोगों को छोड़ दोगे तो वही ज्यादा है, तो फिर किसका उद्धार करोगे। ओहो, तभी तो भक्त लोग श्रीमन महाप्रभु को अनाथ बंधु, पतित पावन, दीनदयाल, जीव बंधु कहकर पुकारते हैं। कलिहत जीवों के भव रोग विनाश करने के लिए एकमात्र हरि नाम महामंत्र ही महोषधि है, ये याद रखो। कलि युग के जो कलिहल जीवो जो हैं, भव रोग, ये भव रूपी सागर में ये रोग है, जन्माने के चक्कर में हम पड़े हैं, संसार को भव सागर कहा है, भव रोग में हम जो पड़े हैं, इसको विनाश करने की एकमात्र औषधि हरि नाम महामंत्र, यानी कि हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम भला इन कलिमल ग्रसित जीवों के उद्धार की बात, कलिमल ग्रसित जीवों के उद्धार की बात श्री भगवान के अतिरिक्त और कौन सोच सकता है? कौन उनको हरि नाम महामंत्र का दान कर सकता है तथा कौन उनसे श्री हरि नाम का उच्चारण करा सकता है? कारण कि पाप जीवों को हरि नाम नहीं लेने देता, पापी जीवों को हरि नाम नहीं लेने देता। पाप भी ठीक है, पापी वैसे अशुभ कर्म शुभ कर्मों की ओर लगने नहीं देते, बुरे कर्म जो हैं आदमी को अच्छे कर्मों में नहीं लगने देते। लेकिन प्रभुपाद की कृपा हमने देखी, थोड़ा बता देते हैं हम अपने सत्संगियों को, इंटरनेट में बहुत लोग हैं सुनने वाले, ये पुरानी बात है। तो एक परिवार की एक माता हमारी संपर्क में आई, तो माता कहती है मेरे घर में सत्संग करेंगे। मैंने कहा क्यों पूछा आपने ऐसा, वही तो हमारा काम है सन्यासी वेश में, मैं करेंगे। मैंने पूछा क्यों, इसलिए मेरे पति जो हैं वो नास्तिक हैं। मैं कोई बात नहीं, तो सत्संग का समय तय हो गया, हम चले गए। इससे पहले उसने अपने पति को कहा कि मैं सत्संग करवाऊं, कहते नहीं करवाना है, कहते करवाऊंगी, कहते नहीं करवाना है, कहते करवाऊंगी, कहते मैं घर नहीं आऊंगा, कहते नहीं आ। माता भी थोड़ी तेज माता ही थोड़ी आगे, मतलब तो उसने देखा भी ये तो सत्संग करा के छोड़ेगी, मना कर दिया नहीं आऊंगा। तो वो पहले माता ने मेरे को बता दिया था नहीं आएगा, कोई बात नहीं। लेकिन फिर उसको लगा भौतिक दृष्टि से बड़ा पढ़ाई शढ़ाई की है, लेकिन अध्यात्मिक दृष्टि से जीरो, भौतिक पढ़ाई किस काम की, किसी काम की नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ये जो भौतिक जो है ना जड़ विद्या, जो भौतिक पढ़ाई जो पेट के लिए की जाती है, ये सब माया रा भाई बाब, ये माया का संसार है। तुम्हारे भजने बाधा, और तुम्हारे भजन में ये बहुत बड़ी बाधा है। तो सत्संग उसको लगा भाई अगर वो पूछेंगे स्वामी जी आकर भाई तुम्हारे पति कहाँ हैं, वो कहेगी नहीं है तो अच्छा नहीं लगेगा। आ गया सत्संग में भी, वो श्रीमान जी सत्संग में आ गए और मूवी बनाई, पूरे सत्संग की मूवी बनाई। तो मुझे बैकग्राउंड तो पता थी श्रीमान जी की कि ये नास्तिक हैं। तो सत्संग के बाद तो माता ने प्रसाद का प्रबंध किया था, लोगों को प्रसाद बटोरने लगे, मैंने भी प्रसाद अपने हाथों से दिया, बाकी भोजन का प्रबंध था। तो वो आया, वो भी आ गया प्रसाद लेने, जो घर में नहीं आना चाहता था क्योंकि घर में सत्संग हो रहा है। तो
मैंने तो पहचानता नहीं था उसको, मैं शायद पहचानता था, मुझे ध्यान नहीं पूरा। मैं प्रसाद जब दिया, मैंने कहा उसको, मैंने कहा भाई आप ही 10 मिनट के लिए महामंत्र का जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। वो कहता है मेरे को कि आपसे बात करनी है। मैं समझ में कह मारेगा तो नहीं मेरे को भी, तू मेरे घर में क्यों आ गया सत्संग करने? मैंने कब करनी है? कहते जब कहो आप, मैंने अभी करो। उधर बाकियों को तो भोजन परोसा गया, तो हमें वो कमरे में ले गया, बच्चों के कमरे में। वैसे मन में नहीं सोचा, मैं अभी कह रहा हूँ ऐसे नास्तिक लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, मार भी सकते हैं। अरे महाप्रभु को मारा, नित्यानंद भगवान को मारा, खून निकाल दिया, लेकिन उसने मारा नहीं, बातें करने लगा मेरे साथ। 10:30 सत्संग समाप्त हुआ होगा, कम ज्यादा समय भी हो सकता है। प्रश्न करने लगा, पर प्रश्न बड़े अच्छे किए उसने, गुरु कृपा से हम उत्तर देते गए। प्रश्न उत्तर में रात का 1 बज गया। मैम नहीं, मुझे मंगल आरती में जाना होता है, 1 बज गया। तो 1 बजे वो कहता है मेरे को, श्रीमन जी कहते हैं कि, मैंने कहा पता नहीं क्या कहेगा, मैंने कहा बोलिए, कहते आज के बाद, मैंने कहा ये कहेगा आज के बाद मेरे घर में घुसे तो मैं डंडा लेके मारूंगा। नहीं, उसने कहा आज के बाद अब जो कहेंगे वही करूंगा। मैं अवाक भाई, नाश्ते खाते इतना परिवर्तन, ये सब इनकी कृपा। मैंने कहा अच्छा, मैं सच में बड़ा अवाक हो गया वहां पर। मैंने नियम बताया, मैंने कहा मांस मछली अंडा, कहते खाता हूँ, मैंने कहा इसे बंद, कहते ठीक है। कब मैंने कहा शराब वो भी पीता हूँ, वो भी बंद। और शराब कौन सी पीता था? वैट 69, सबसे महंगी बिस्की, बिस्की का नाम वैट 69, ब्लैक नाइट, क्या क्या बिस्कियों के नाम, वो शराब बड़ी कीमती शराब पीता था। मैं ये भी बंद, कहता ठीक है। देखो कृपा कैसी हो रही है प्रभुपाद जी की। मैं स्मोकिंग, कहते वो भी करता हूँ, मैं वो भी बंद, कहता ठीक है। मांस मच्छी अंडा शराब स्मोकिंग सब बंद। प्याज लहसुन शायद बंद हो कर दिया था मैंने उस समय, मुझे ध्यान नहीं, सब बंद हो गया। उसने दूसरे दिन से पालन करना शुरू कर दिया। तो बैट 69 की बोतल पड़ी थी घर, तो कहता कि ये मैं किसी को दे देता हूँ। तो घर वाले ने कहा किसी को क्यों दे देते हो, तो अच्छी नहीं है, किसी को क्यों दोगे। बोतल पता नहीं तोड़ दी फिर वो, उस समय 60-70 की बड़ी महंगी बोतल आती थी, वो पुरानी बात है, बोतल तोड़ दी। शुरू हो गया जी, मैंने कहा जप करना है, ठीक है। जप नहीं हो रहा था, पाप कर्म आ रही थी ना बीच में, 2 माला भी नहीं हो पाती थी, बड़ी मुश्किल से 1-2 माला होने लगी। धीरे 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 प्रभुपाद जी की कृपा बरसने लगी और 16 माला पे पहुंच गए। एक दिन वो माता कहती है मेरे को, कहती महाराज, मैं बोलो, कहते मेरे पति आपसे दीक्षा लेना चाहते। मैंने कहा तूने कहा दीक्षा लेने का? कहते नहीं, खुद ही कह रहे हैं। मैं अवाक भाई, जो आप इतने नास्तिक, जो ये सब सेवन करने वाले, इतनी प्रभुपाद की कृपा, पर दीक्षा ली उसने। मैं 16 माला नहीं हो रही थी, कहते अभी 16 माला हो रही हैं। फिर पहुँचते पहुँचते 64 माला पर पहुँच गया वो। ये है प्रभुपाद जी की कृपा। तो ये कृपा जब उस नास्तिक व्यक्ति पर प्रभुपाद ने की, तो सब पर हो सकती है। और भक्त जो है, जैसे यहाँ है, श्री हरि नाम का उच्चारण करा सकता है, उनको श्री हरि नाम महामंत्र का दान कर सकता है, तथा कौन उनसे श्री हरि नाम का उच्चारण करा सकता है? कारण कि पाप जीवों को हरि नाम नहीं लेना देता, पाप जो है जीवों को भगवान नाम नहीं लेने देता, और शुभ कर्म शुभ कर्मों को की ओर लगने नहीं देते, जो बुरे कर्म किए हैं अच्छे कर्मों में नहीं लगने देते। बस यह काम तो पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम सर्वावतारी श्री गौर भगवान का ही था।
ये भगवान का ही काम था, जो ऐसे लोगों से भी नाम जपाना, जो पशु पक्षी कीट पतंग स्थावर जंगम सब जीवों से हरि नाम उच्चारण करवा दिया भगवान ने, सबसे पशु पक्षियों से भी करवाया था महाप्रभु ने हरि नाम, कीट पतंग से भी। जब भगवान झारखंड के जंगलों से आ रहे थे, सामान्य जीवों में यह शक्ति नहीं है, सामान्य जीव नहीं करा सकते। कलयुग के तो ऐसे घोर पापी हैं कि कोई और भी हरि नाम लेता हो तो उसको भी बंद करा दे। कलयुग के पापी लोग जो हैं, जो लेता उसको बंद करा लेंगे, वो ऐसे कलयुग के लोग हैं, ये वर्णन आला है। बंद करा दें भला, ऐसे घोर पापियों ने भी स्वयं हरि नाम उच्चारण करते हुए नित्य संकीर्तन किया, यह भगवान की शक्ति नहीं तो और क्या है? यही ईश्वर का ईश्वर ईश्वरत्व है कि असंभव को संभव कर दिखाए। जिन जीवों से जो काम नहीं हो सकता उस काम को उनके द्वारा करा दे, जो नहीं कर सकते उनके द्वारा करवा दे। श्री नित्यानंद प्रभु श्रीमन महाप्रभु की इच्छा शक्ति है, नित्यानंद जी को महाप्रभु की इच्छा शक्ति बताया है। आप श्री गौर प्रेम में विभावित होकर अपने परिकर सहित गौर देश के लिए चले। नित्यानंद भगवान अपने परिकर जिनके नाम मैंने पढ़े, आपके सब संगी भी श्री गौर प्रेम में रंगे हुए हैं, वो भी सब गौर प्रेम में रंगे हुए हैं। बाकी जितनों के भी नाम भासुघोष हैं और हैं, सब गौर प्रेम में रंगे हुए हैं, मार्ग में चल रहे हैं, परंतु प्रेमानंद में किसी को भी देहानुसंधान नहीं है। मार्ग में चल रहे हैं, इतना प्रेमानंद में शरीर का भी उनको पता नहीं है कुछ भी। ठीक ही है, यह प्रेम देवता यहाँ पधारते हैं, वहाँ देह की सुध बुध को भुला देते हैं। हमें अभी देह का रहता ना बड़ा, ये है वो है, सुध बुध भूल जाए आने, वही जीवन है। महाप्रभु तो क्या उनकी लीलाएं थी, आगे आएंगे। भक्तों के हृदय में क्षण क्षण में प्रेम के अनेक भाव उदय हो रहे हैं जो नित्यानंद भगवान के साथ जा रहे हैं। सबसे पहले वैष्णवाग्रगण्य श्री रामदास, वैष्णवों के जो प्रमुख हैं, रामदास के हृदय में गोपाल का प्रकाश हुआ। मार्ग में ही रामदास त्रिभंग होकर खड़े हो गए, वो गोपाल का प्रकाश हुआ, खुद ही वो त्रिभंग होकर खड़े हो गए। मार्ग में ही रामदास त्रिभंग होकर खड़े हो गए, आप में तीन प्रहर तक यह भाव रहा, गोपाल जी का भाव रहा तीन पैर तक। श्री गदाधर दास में किशोरी राधिका जी का भाव आ गया। गदाधर दास किशोरी जी के ही अवतार हैं, उन राधा जी का भाव आ गया। बोलो राधा रानी की। राधे मेरी स्वामनी, राधे मैं राधा जूदास, जन्म जन्म मोहे दीजियो जन्म, श्री वृंदावन बा, श्री चरणों में बा, राधा राधा जपतगी, राधा राधा जपत ही राधा, सब व्याधा मिट जाए, सब व्याध कोट जन्म की आपदा, कोट जन्म की एक राधा नाम से जाए, कोट जन्म की आपदा, कोट
एक राधा नाम से जान, वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे वृंदावन, तेरा भव से बेड़ा पार रटे जा राधे राधे तेरा भव से, वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, वृंदावन गलियां डोले श्री राधे राधे बोले वृंदा, बाको जन्म सफल हो जाए रटे जा राधे राधे बाको जन्म, वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, जे ब्रिज की रज सुंदर है देवन को भी दुर्लभ है, यह ब्रिज की रज मुक्ति रज शीश चढ़ाए रटे जा राधे राधे मुक्ति रज शीश चढ़, वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, ये वृंदावन की लीला नहीं जाने गुरु और चेला, ऋषि मुनि गए सब हार जपे जा राधे राधे ऋषि मुनि गए सब, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे बृंद, वृंदावन रास रचायो शिव गोपी रूप बनायो वृंदावन, सब देवन करे विचार वृंदावन, सब देवन करे विचार जपे जा राधे राधे देवन करे, जो राधे राधे रट तो दुख जन्म जन्म को कट तो, तेरा भेड़ो हो तो पार रटे जा राधे राधे तेरो भेड़ो, वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, जो राधे राधे गावे सो प्रेम प्रसाद पावे, जो राधे राधे सो प्रेम पदार्थ पावे, भवसागर होवे पार रटे जा राधे राधे भव सागर, वृंदावन 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 धाम अपार जपे जा राधे राधे वृंदा, एक दिन वृंदावन की मुझे बात याद आ गई, प्रभुपाद जी वृंदावन में थे तब, और रोज़ सुबह प्रभुपाद
मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे कोई 5 बजे मंगल आरती के बाद, तो जो भी हम सब भी उनके साथ जाते थे, जा रहे थे जब, तो क्या हुआ, एक ब्रिजवासी गुजरा, शायद वो साइकिल पर था या पैदल था, गया तो उसने क्या बोला, राधे राधे, एक दूसरे को राधे राधे बोला। प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत अच्छा, इन्होंने सामने राधे की शरण ले रखी है। ब्रिजवासी एक दूसरे को मिलते हैं ना, वो राधे राधे कहते हैं। तो राधे, ये जो महामंत्र हम जपते हैं इसमें हरे जो है, ये वैसे शब्द हरा है, संबोधन में हरे आता है, और ये राधा जी को संबोधन है, राधा जी के प्रति संबोधन है। तो राधा भक्ति की दाती हैं, उनकी कृपा के बिना शाम नहीं मिल सकते। नितैरे करुणा हवे ब्रिजे राधा कृष्ण पावे, नित्यानंद भगवान की कृपा पहले लेनी पड़ेगी, नित्यानंद जी की कृपा मिलेगी तो ब्रिज में राधा कृष्ण मिलेंगे। तो एक और घटना घटी, वो सुनाई दूं मैं आपको। प्रभुपाद जा रहे हैं जप करते समय, हम भी उनके साथ साथ हैं और भक्त लोग भी हैं। एक ज्ञान मार्गी यानी कि मायावादी सन्यासी, उसने प्रभुपाद जी को देखा, ज्ञान मार्ग का भक्ति तो उनके अंदर है नहीं है बेचारों के, कुछ उल्टी सीधे बातें बोलने लगा प्रभुपाद जी को, भक्तों को गुस्साया लगे, उसको मारने जाकर प्रभुपाद जी का नहीं छोड़ दो उसको, पीछे आ जाओ वापस आ जाओ। भक्त प्रभुपाद जी आ गए, किसने कुछ नहीं, कुछ उल्टा सीधा बोल के चला गया वो मायावादी। एक महीने के बाद फिर प्रभुपाद शहर में गए, इस समय मैं उनके साथ में नहीं था, तो जो दूसरे भक्त थे उन्होंने मुझे, एक ने बताया, वो जो प्रभुपाद जो कैसे उल्टा सीधा बोल रहा है, जैसे मैंने शंकराचार्य की बात बताई, वो भी बोलने लगा प्रभुपाद जी को उल्टा सीधा। एक शंकराचार्य से मेरी झड़प हुई थी प्रभुपाद के बारे में, बोला मैं टूट गया उस पर, पता नहीं कहाँ से मेरे में इतनी शक्ति आ गई। ये भी बड़ी पुरानी बात है। हुआ क्या, एक महीने के बाद जब प्रभुपाद जा रहे थे, वो जो मायावादी वो फिर वहीं है, लेकिन वो क्रेचर पर है, टांग टूट गई उसकी, क्रेचर से पकड़ के चल रहा है। प्रभुपाद जी ने उसको देखा, उसने प्रभुपाद जी को देखा, सर नीचे कर लिया। प्रभुपाद ने ये कहा, इस दिन इसने उल्टा सीधा कहा हमको, मैंने तो माफ कर दिया इसको, लेकिन भगवान ने माफ नहीं किया, टांग तोड़ दी उसकी। तो भक्तों के चरणों में हमें बड़ा सतर्क रहना है, और ये एक बड़े महान भक्त हैं, इनके चरणों में तो सतर्क ही है, बिना तो कल्याण है ही नहीं। एक घटना और बता देता हूं मैं। प्रभुपाद चलते चलते कोई बात करते रुक जाते थे, तो मैं क्या करता था, पीछे से कुछ पत्ते वगैरह लेकर ना, सुबह के टाइम मक्खियाँ आती हैं, तंग करती हैं, तो मक्खियाँ बैठती थी, परेशान करती थी, तो मैं मक्खियाँ उड़ाता था प्रभुपाद जी के ऊपर से। तो प्रभुपाद चलते चलते रुके, तो मैं कहीं और देख रहा था, मेरी नजर जाके प्रभुपाद जी से जाके मैं बैंग हो गया, ऐसे मिल गया। प्रभुपाद रुके, कहाँ देख रहा है तू, देख चुप में ना, मैं मेरे मुंह से कुछ निकला, झाड़ पड़ी बड़े जोर से प्रभुपाद जी से, लेकिन एक तरफ से वैसे उनके शरीर के साथ पूरा मेरा शरीर ऐसे, मैं कहीं देख रहा हूँ प्रभुपाद खड़े हो गए, मैं पीछे पीछे उनको ऐसे जगह लग गए। ये भी घटना वृंदावन में घटी थी। बोलो वृंदावन धाम की, बोलो राधा रानी की। तो श्री गदाधर दास जी में किशोरी श्री राधिका जी का भाव आ गया, गदाधर दास राधा जी की अवतार है। आप सिर पर मटकी रखकर, गदाधर जी ने सिर पर मटकी रख दी, सिर पर मटकी रखकर मधुर मुस्कुराते हुए सुमधुर ध्वनि में कहने लगे, कोई दही ले लो, कोई दही ले लो। मटकी सिर पर दही बेचने लग पड़ी वो। परम बुद्धिमान रघुनाथ वैद्य,
उपाध्याय साक्षात रेवती हो गए, रेवती माता। तथा कृष्णदास जी और परमेश्वर दास जी ये दोनों श्री गोपाल भाव में मगन होकर हियो गाने लगे, हियो कहकर गौओं को बुलाने लगे। पुरंदर पंडित अंगद भाव को धारण करके वृक्ष पर चढ़कर पुकारने लगे, मैं अंगद हूं। भाव आ गए ना उनके सबके, बोलो अंगद जी महाराज की। इस प्रकार श्री अनंत धाम श्री नित्यानंद प्रभु ने सबके हृदय में परम उज्जवल भाव प्रकट किया। नित्यानंद भगवान की कृपा से सब भाव प्रकट हुए। कौन है प्रेम में मगन हुए ये सब लोग मार्ग को छोड़कर दो दो चार चार कोस इधर उधर निकल जाते हैं। भाव में कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। फिर लोग पूछते हैं, भाई हमें गंगा तट जाना है, मार्ग तो यही है ना। लोग दुखी होकर कहते, हाय हाय महाराज, आप तो मार्ग को छोड़कर बहुत दूर निकल आए हैं। भाव में है ना, भाव में आदमी भूल जाता है। अब आप लौटकर चलेंगे तो कहीं दोपहर तक अपने मार्ग पर पहुंचेंगे। लोगों के कहने से आप लौटते हैं, किंतु प्रेम में मतवाले हुए मार्ग पर आकर कुछ दूर चलकर फिर मार्ग को छोड़कर दूसरे रास्ते से चल देते हैं। फिर दूर जाकर लोगों से पूछते हैं, भाई गंगा तट का मार्ग यही है ना। लोग उत्तर देते, महाराज गंगा घाट का मार्ग तो 10 कोस बाई और रह गया। यह सुनकर सब हंसते हुए भाई और चल देते, बाई और चल देते। यह प्रेम की लीला है। प्रेम में तो भाव में विभोर है, आनंद मंगल है। यह प्रेम की लीला है। जिस घट में प्रेम अवतार श्री गौरांग करतार का आविर्भाव होता है, वह अपनी देह को ही भूल जाता है। फिर मार्ग को भूल जाना क्या बड़ी बात है। देह को जब भूल गए तो मार्ग तो भूलना ही है। बोलो गौर भक्तों की। इस प्रकार अनेक भाव तरंगों में बहते बहते श्री नित्यानंद चांद निज परिकर सहित गंगा तट पर पानीहट्टी ग्राम में श्री राघव पंडित के घर पधारे। राघव पंडित ने इन सब का प्रेम पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। श्री नित्यानंद प्रभु को अतिथि रूप में पाकर राघव पंडित के आनंद की सीमा न रखी। आहा कितना दिव्य भाव राघव पंडित जी महाराज का। बोलो राघव पंडित जी महाराज की। श्री निताई चांद के शुभागमन के उपलक्ष में पानीहट्टी ग्राम में बड़ा महोत्सव मनाया गया। उनके सामने बड़ा पानीहट्टी ग्राम बहुत बड़ा महोत्सव हुआ। महासंकीर्तन में स्वयं श्री नित्यानंद प्रभु ने नृत्य किया। आपके उदंड नृत्य से पृथ्वी डगमग होने लगी, पृथ्वी हिलने लगी। भगवान नाच रहे हैं बलराम जी के अवतार। इस महासंकीर्तन में माधव घोष कीर्तन करने वाले थे, माधव घोष कीर्तन करने वाले तथा इनके दो भाई गोविंद घोष तथा वासु घोष गाने वाले। माधव घोष कीर्तन मतलब गोविंद घोष एवं माधव वासुदेव घोष गाने वाले थे तथा साक्षात ईश्वर श्री नित्यानंद प्रभु नृत्यक थे। वो नृत्य कर रहे थे भगवान। आ कितना सुंदर नृत्य होगा, हमको कब देखने को मिलेगा। ऐसे क्या करता, मिलेगा क्या उन्हें मिलेगा, ऐसे कहते हैं जैसे तेरे ही हाथ में है। बहुत समय तक नित्य कीर्तन होने पर कुछ देर विश्राम कर श्री नित्यानंद प्रभु ईश्वराविष्ट होकर विष्णु सिंहासन पर विराज गए। उनमें ईश्वर का भाव, विष्णु सिंहासन पर जाकर बैठ गए।
और भक्तों को अपना अभिषेक करने का आदेश दिया, कहा मेरा अभिषेक करो। बोलो नित्यानंद भगवान की। तुरंत ही भक्तों ने हजारों कल से सुभाषित गंगा जल लाकर विधि पूर्वक आपका अभिषेक किया। फिर आपको नवीन वस्त्र धारण कराकर मंत्रों सहित आपका षोडशोपचार पूजन किया। राघव पंडित स्वयं छत्र करने लगे और चारों ओर से भक्त मंडली जय ध्वनि करने लगी, जय हो जय हो जय हो। उसी समय नित्यानंद प्रभु ने आज्ञा करी, राघव पंडित कदम्ब के फूलों की एक माला तो गूंथ कर लाओ। कदम्ब के फूल मुझे बड़े ही प्रिय हैं। नित्यानंद भगवान को कदम्ब के फूल अच्छे लगते हैं और मैं नित्य ही कदम्ब के वन में वास करता हूं, जय हो। श्री राघव पंडित ने प्रेम से गदगद होकर निवेदन किया, भगवान यह कदम्ब के पुष्पों का समय नहीं है। समय नहीं है। श्री नित्यानंद प्रभु ने हंसकर कहा, तुम जाकर देखो तो सही वाटिका में कदम्ब के फूल अवश्य ही मिलेंगे। भगवान की इच्छा थी। राघव पंडित जी जाकर क्या देखते हैं, एक जंबीर के वृक्ष में, जंबीरे होते जंबीर, जंबीर किसको कहते हैं, तो बंगाली है या मद्रासी, बंगाल में बंगाल की बात हो रही है। राघव पंडित जी क्या जंबीर, जंबीर क्या हो गया, जंबीर हमारे यहाँ होते हैं वो मतलब खट्टा होता है बड़ा, जंबीर, जंबीर के वृक्ष के में बहुत सारे कदम के पुष्प लगे हैं, जंबीर के वृक्ष में कदम के पुष्प लगे हैं, जागो। नित्यानंद भगवान की। पंडित नित्यानंद प्रभु की यह अचिंत्य लीला देखकर प्रेमानंद में मगन हो गए। कदम्ब के पुष्पों की माला गूंथ कर श्री नित्यानंद प्रभु के कंठ में पहनाई। श्रीपाद उस माला को पाकर बड़े प्रसन्न हुए, आपकी अपूर्व शोभा और भी वृद्धि को प्राप्त हो गई। कदम्ब के पुष्पों की दिव्य गंध से चारों दिशाएं परिव्याप्त हो गई। विष्णु सिंहासन पर विराजमान श्री नित्यानंद ने हंसकर भक्तों से पूछा, यह किस वृक्ष के फूलों की गंध है। भक्तगण हाथ जोड़कर बोले, प्रभु यह तो दमनक के पुष्पों की गंध मालूम होती है। श्री नित्यानंद प्रभु इससे संतुष्ट होकर बोले, ठीक है किंतु सुनो मैं एक गुप्त बात कहता हूं, इसको तुम सत्य जानना। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आज संकीर्तन सुनने के लिए नीलाचल से यहां पधारे थे। आपके श्रीअंग में दमनक के पुष्पों की माला थी, भगवान के शरीर में एक वृक्ष का सहारा लेकर श्री गौरांग अवतार आप लोगों का कीर्तन सुन रहे थे। सब भक्त हैं भगवान के, भगवान कीर्तन सुन रहे थे। यह उन्हीं फूलों की सुगंधि आप सब लोगों को सुगंधित कर रही है। आप लोगों के प्रेम संकीर्तन से श्रीमन महाप्रभु को इतना प्रेम है कि श्री नीलाचल से आप यहाँ पधारे। जागो। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। अब आप लोगों का भी यह परम कर्तव्य है कि सब काम छोड़कर रात दिन श्री कृष्ण नाम गाओ तथा प्रेम में अपने को भूलकर श्री कृष्णचंद्र के यश में मगन हो जाओ। जागो। यह कहकर श्री नित्यानंद प्रभु प्रेमानंद में विहल होकर हुंकार गर्जन करते हुए दोनों भुजाओं को उठाकर हरिध्वनि करने लगे। सब भक्तगण भी प्रेमावेश में उच्च स्वर से हरि संकीर्तन करने लगे। राघव पंडित के घर आज जो प्रेम की तरंगें उठी
उसमें समस्त गौड़ मंडल प्लावित हो गया। जय हो। भक्त वृंद आनंद सरोवर में स्नान कर आनंद स्वरूप हो गए। प्रेममय श्री नित्यानंद प्रभु ने भक्तगण को जो प्रेम भक्ति का दान दिया है, किया है, वह अमूल्य वस्तु है। इसी को गोपी प्रेम कहते हैं, गोपियों का प्रेम। श्री गौरांग लीला के व्यासावतार शिला वृंदावन दास ठाकुर का कथन है कि जो गोपियों की प्रेम भक्ति श्रीमद् भागवत ने लिखी है, वही प्रेम भक्ति नित्यानंद प्रभु से जगत को मिली है। नित्यानंद प्रभु की कृपा से सारे जगत में वही लोगों को भक्ति मिली है। उस परमोत्कृष्ट प्रेम भक्ति को पाकर भक्तों की क्या दिशा हुई, उसका किंचित वर्णन यहाँ श्री वृंदावन दास के शब्दों का आश्रय लेकर लिखा जाता है। श्री नित्यानंद प्रभु सिंहासन पर विराजे हैं, आपके सन्मुख आपके पार्षदगण नृत्य कर रहे हैं। उनमें से कोई प्रेमावेग में दौड़कर वृक्ष पर चढ़ जाते हैं और पत्ते पत्ते पर नाचते हैं। पत्ते पत्ते पर नाच रहे, जाओ 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 जाए जाए, नाचते दिखाई देते हैं किंतु फिर भी गिरते नहीं। भगवान की लीला, जाओ पत्तों पर नाच रहे लेकिन गिर नहीं रहे, गिरते नहीं। कोई कोई प्रेम सुख में हुंकार करते हुए वृक्ष से कूद पड़ते हैं, इतने प्रेमी कूद पड़ते हैं, परंतु आश्चर्य यह है कि उनको तनिक भी चोट नहीं लगती। अरे भगवान यहाँ वहाँ बैठे हुए। कोई कोई प्रेम में मुग्ध होकर हरी हरी बोलते हुए वृक्ष की जड़ से, वृक्ष को जड़ से उखाड़ कर फेंक देते, पूरे वृक्ष को उखाड़ कर फेंक देते। जाओ, कितनी शक्ति आ गई उनमें। नहीं नहीं जाना जाता यह अनंत बल कहां से आया है। अश्रु कंप स्तंभ समेत पुलक स्वरभंग बेवर्ण सिंह की तुल्य गर्जना, श्री अनंत मूर्छा आदि जितने प्रेम भाव श्री कृष्णचंद प्रेम में श्री भागवत में लिखे हैं, वह सब प्रेम भाव समस्त भक्तों के शरीर में दृष्टिगोचर होते हैं। यह नित्यानंद प्रभु के प्रेम का बल है। श्री नित्यानंद प्रभु जिधर दृष्टि उठाकर देखते हैं, देख लेते हैं, उधर ही महाप्रेम भक्ति की वर्षा होने लगती है। आपकी दृष्टि के साथ भक्तों को प्रेम मूर्छा होती है, वस्त्रों तक की संभाल नहीं रहती। पृथ्वी में लौटते लौटते श्री नित्यानंद प्रभु के श्री चरणों की ओर दौड़ते हैं। यह सब देखकर श्री नित्यानंद प्रभु आसन पर बैठे मुस्कुरा रहे हैं। जागो जागो, बोलो नित्यानंद भगवान की। नित्यानंद प्रभु के जितने प्रधान पार्षद हैं उन सब में सब शक्तियों का समावेश हो गया। सब सर्वज्ञ तथा वाक्य सिद्ध हो गए और सभी कामदेव के समान सुंदर हो गए। जिस किसी को ये श्री नित्यानंद प्रभु के पार्षद हाथ स्पर्श कर लेते हैं, वही जगत को भूलकर श्री भगवत प्रेम में विवल हो जाता है। श्री नित्यानंद प्रभु पानीहट्टी ग्राम में 3 मास ठहर कर अलौकिक प्रेम भक्ति का वितरण करते रहे। 3 महीने ठहरे, जाओ पानीहट्टी। उस प्रेमामृत का पान करके किसी को शरीर की सुध ना रही। और तो क्या, लोगों ने 3 मास तक उस प्रेम के नशे में भोजन तक नहीं किया। 3 मास तक, तब प्रेम सुख के प्रेम सुख में नित्य संकीर्तन में निमग्न रहे।
श्री नित्यानंद प्रभु रात दिन श्री कृष्ण चैतन्य श्रीमन महाप्रभु के संकीर्तन में रत रहते थे, व्यस्त रहते थे। और सबसे यही करवाते थे, भोजन में, शयन में, चलने में आप कीर्तन ही करते रहते थे हर समय, भोजन में, चलने में, सोए हुए भी एक क्षण काल भी आपका व्यर्थ नहीं जाता था। आपका अपूर्व बाल्य भाव था, सर्वांग में आभूषण धारण करके, चित्र विचित्र पाग बांधकर श्री गंगा जी के तटवर्ती गांव गांव नगर नगर में अपने पार्षदों सहित संकीर्तन करते हुए भ्रमण करते थे। बालकों को, बालकों के तो आप प्राण थे, आपके संग सौ सौ बालक आहार निद्रा को त्याग कर, भगवान का प्रभाव, आहार निद्रा दोनों छोड़ करके जय जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय जय श्री नित्यानंद, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद, प्रेम से बोलते हुए घूमते थे। और तो क्या, श्री नित्यानंद प्रभु के सहचारी बालक एक एक मास पर्यंत भोजन नहीं करते थे, एक एक महीना भूखे रहते थे। कितना नाम रूपी वो प्रसाद ग्रहण करते थे, नाम रूपी भोजन करते थे। और शरीर वैसा ही दिव्य बना रहता था, एक नहीं एक महीना नहीं खाने पर भी शरीर दिव्य बना हुआ है, यह देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। यह केवल आनंद रस में लीला विग्रह श्री नित्यानंद प्रभु की अचिंत्य शक्ति का ही प्रभाव है। बालकों को पुत्र की भांति अपने हस्त कमल से भोजन कराते थे नित्यानंद भगवान। इस प्रकार प्रेम भक्ति का वितरण करते हुए श्री निताई चांद कुछ दिन पश्चात एरिता दा ग्राम में श्री गदाधर दास के घर पधारे। इस ग्राम में एक काजी रहता था, जो बड़ा दुष्ट था। श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से इनके परम भक्त श्री गदाधर दास ने उस यवन के मुख से भी हरि नाम कहला दिया। वो जो काजी था उसके मुख से भी, जो बड़ा दुष्ट था काजी ने, वो मतलब गदाधर ठाकुर ने, उसके मुख से भी भगवान का नाम उच्चारण करवा दिया। इन श्री गदाधर दास के शरीर में श्री नित्यानंद प्रभु का अधिष्ठान होता था। गदाधर दास
को गोपी भाव ही बना रहा, उनका गोपी भाव ही बना रहा। मस्तक पर गंगा जल का कलश रखकर सदा गोपी भाव में यह पुकारते रहे, कोई माखन लो, कोई माखन लो, जाओ जाओ। श्री गदाधर ठाकुर जी महाराज की, नित्यानंद भगवान की, चैतन्य चंद्र की, अद्वैताचार्य की, समस्त गौर भक्त वृंद की, हरे कृष्ण, जय हो आनंद मंगल, सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। आशीष शर्मा दिल्ली से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा मन मुझे तंग करता है, बार बार इसे समझाना पड़ता है कि भगवान को मान, कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मेरा मन भगवान के चरणों में लग जाए। आशीष जी, ऐसा है, हरि बोल, ऐसा है कि जब तक ये शुद्ध नहीं होगा ना, तब तक ये तंग करेगा आपको। आपने प्रयास करना है इसको हरि नाम में लगाने का, और ये पशु की तरह है। एक बार हमने पशुओं का उदाहरण दिया था, तो ये पशुओं की तरह इधर उधर भटकेगा। तो भगवान ने कहा गीता के छठे अध्याय में, अर्जुन ने कहा कि प्रभु, मन को वश में करना बड़ा कठिन है। चंचलम ही मना कृष्णा परमाचि बलभद्रम तस्या हम निग्रहम मन्ने वायु रेव स दुष्करम। हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल है, वायु को बने भस्म में कर लो, लेकिन मन भस्म में नहीं होता। तब भगवान ने कहा, संशयम महाबाहु मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यास ही न तो कौंतेया वैराग्य ने चग्रिये थे। आशीष जी, दो बातें याद रखो, भगवान ने जो कही हैं, ये भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, हे शक्तिशाली अर्जुन, मन को वश में करना बड़ा कठिन है, लेकिन तुम अभ्यास करो। ये बार बार इधर उधर भागेगा, जब तक ये शुद्ध नहीं होगा ये भागेगा, लेकिन बार बार इसको प्रभु चरणों में लाना है। बार बार जब प्रभु चरणों में इसको लाएंगे हम, एक बार फिर इसको खुद आना पड़ेगा। भगवान ने अभ्यास करने के लिए कहा है, कर्त कर्त अभ्यास से जड़मति होत सुजान रस्सी आवत जात से शिला पर्त निशान। तो बार बार अभ्यास करना है, हरिचरण में लगाना है, और ये धीरे धीरे लगना शुरू हो जाएगा भगवान के चरणों में। और दूसरी बात भगवान ने कही है, वैराग्य मन में लाना है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये संसार मेरा घर नहीं है, यहाँ से एक दिन मुझे निकाल दिया जाएगा, और जब तक मैं हूँ मुझे बस इस शरीर के द्वारा भगवान की भक्ति करनी है। मन मेरा बुरे कर्मों के कारण दूषित हो चुका है, लगाना है ऐसा प्रयास करना, मन में विराग लाना है, एक दिन मैंने सब छोड़ देना है। इससे पहले वो दिन आए मैं सब छोड़ दूँ, मैं भक्ति को अपना लूँ, सदा मैं नाम जपता रहूँ, मन ऐसा बनाना, धीरे धीरे ऐसा होगा। आशीष जी, हरे कृष्ण। कीर्ति माता कनाडा से, अक्रूर प्रभु जी की भांजी हैं ये। अक्रूर की भांजी जी? अच्छा, अक्रूर जो कनाडा में। अच्छा, नहीं, तुम्हारा गुरु भाई जी? अच्छा। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं 7 वर्ष की हूँ। मैं कितनी? 7। छोटी है। अच्छा। मैं 7 माला करती हूँ। जब मुझे स्कूल से छुट्टी होती है तो मैं 10 माला करती हूँ। महाराज जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं आप की आप मुझे दीक्षा दे सकते हो। दंडवत प्रणाम। कीर्ति माता, तू 16 माला पे पहुँच धीरे धीरे, और तेरे जैसे भक्तों को तो हम ढूंढते रहते हैं। जब तू 16 माला करने लगेगी, थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, देंगे दीक्षा। नरसिंह चरण जी राजस्थान से। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी। हम जैसे पतितों को राधा रानी की और संतों की कृपा कैसे प्राप्त होगी? प्रयास करने से। नरसिंह चरण जी, प्रयास करना है अपने संतों की कृपा लेने के लिए और राधा की कृपा लेने के लिए प्रयास करना है। प्रयास करने से आपको सफलता मिलेगी। अरे वो अभी
अभी याद है, बुढ़ा जो है सत्संग नहीं बैठा, अभी आया बस बस। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार